हमसे हमेशा जुड़े रहने के लिए हमें सब्सक्राइब करें और बेल आइकन दबाएं। केंद्रीय पुलिस पर्यवेक्षक को जनसुनवाई में दो शिकायत मिली। जिले की 10 विधानसभा के लिए चुनाव आयोग द्वारा नियुक्त केंद्रीय पुलिस पर्यवेक्षक आईपीएस डीसी सागर ने रविवार को सर्किट हाउस में जनसुनवाई की। पर्यवेक्षक समन्वयक और उपायुक्त वाणिज्य कर वीपी सिंह ने बताया कि पुलिस पर्यवेक्षक ने जनसुनवाई में आए पुरुषों और महिलाओं को 7 दिसंबर को भयमुक्त, स्वतंत्र और निष्पक्ष मतदान करने को कहा है। उन्होंने बताया कि चुनाव आयोग ने इसके लिए पुख्ता व्यवस्था की है। उन्होंने कहा कि आदर्श आचार संहिता के उल्लंघन से संबंधी शिकायतें सी विजिल ऐप से की जा सकती हैं और दर्ज शिकायतों पर तुरंत कार्यवाही की जानी सुनिश्चित है। पुलिस पर्यवेक्षक ने नागरिकों से पुलिस और प्रशासन का चुनाव के दौरान पूर्ण सहयोग करने को कहा। उन्होंने विश्वास दिलाया कि चुनाव पूर्णतया निष्पक्ष और शांतिपूर्ण तरीके से संपन्न होगा। उन्होंने कहा कि सभी अधिकारी और कर्मचारी पूर्ण निष्ठा और ईमानदारी से अपने दायित्वों का निर्वहन करेंगे। पुलिस पर्यवेक्षक को जनसुनवाई में श्रीमती कौशल्या देवी अग्रवाल ने लिखित में शिकायत की कि वार्ड नंबर 8 पांचवी रोड लाला लाजपत राय कॉलोनी में नुक्कड़ पर मोहल्ले के असामाजिक तत्वों द्वारा असुरक्षित और अशांति का माहौल बना रहता है, जिसके कारण मोहल्ले में वोट देने में बाधा उत्पन्न हो सकती है। इसके साथ ही संपन्न पुनिया द्वारा लिखित प्रार्थना पत्र में ये लिखा कि प्रताप नगर थाना पुलिस द्वारा उनके और उनके साथियों के साथ अवैधानिक कार्यवाही की गई, जिसकी जांच करें। केंद्रीय पुलिस ने दोनों मामलों में पुलिस आयुक्त आलोक वशिष्ठ को आवश्यक कार्यवाही के लिए लिखा। केंद्रीय व्यय पर्यवेक्षकों ने भी रविवार को सर्किट हाउस में जनसंवाद किया। अतिरिक्त निदेशक और प्रभारी अधिकारी निर्वाचन व्यय कीर्ति पछवाह ने बताया कि केंद्रीय व्यय पर्यवेक्षक सत्यजीत कोला, कलूरी रवि किरण और अबानी कांता नायक ने जिले में व्यय की निगरानी के लिए लगाई गई फ्लाइंग स्क्वाड, वीडियो निगरानी टीम, स्टैटिक निगरानी टीमें, पुलिस निगरानी टीमों की जानकारी और उनके द्वारा चुनाव में काम में ली जाने वाली अवैध रोकड़ राशि और सामग्री की जब्ती की कार्यवाही से अवगत कराया। इन सभी टीमों द्वारा संग्रहित व्यय साक्ष्यों के अनुसार शेडो रजिस्टर संधारित किए जाने की और प्रत्याशियों द्वारा चुनाव व्यय रजिस्टर संधारित करने और इनको चुनाव प्रचार के दौरान निर्धारित कार्यक्रम के अनुसार 3 बार निरीक्षण किए जाने की जानकारी दी। जन सुनवाई में निर्वाचन आयोग के नियमों के अनुसार ही कार्यवाही करने के लिए बताया। जोधपुर से जागरूक टीम की रिपोर्ट।